जिंदाबाद 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 और महावीर जयंती के आचरण पर इस धार्मिक नगर में आप सबका स्वागत है। मोदी सरकार की बात, मोदी सरकार की बात, मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी है मुमकिन है मोदी है मुमकिन है मोदी है मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने एक अभियान शुरू किया है, युवा चलेगा कमल खिलेगा। इस अभियान के तहत अजमेर देहात में कल सरवार से जो अभियान शुरू हुआ, आज वो मसूदा विधानसभा के विजयनगर कस्बे में पहुंच गया है। 22 तारीख तक ये जन जागरण अभियान युवा मोर्चा के द्वारा पूरे अजमेर लोकसभा में निकाला जाएगा और मुझे लगता है कि युवा जिस प्रकार से देश के विकास में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके कामों का 5 साल का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी को फिर वोट देकर एक बार देश में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की आवश्यकता देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की अस्मिता के लिए और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस प्रकार भारत फिर एक शक्ति प्रधान देश बनता जा रहा है, उसमें अपना योगदान देने के लिए तत्पर है और युवा मोर्चा का ये जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। युवा मोर्चा का ये जो अभियान शुरू किया है, इस अभियान को 2 दिन हो गए हैं और हमको लगता है कि इस जो रथ यात्रा निकल रही है, इसमें विशेषकर युवाओं में बहुत क्रेज है। मोदी जी का जो कटआउट लगा हुआ है, उस कटआउट के साथ अपनी सेल्फी लेकर वो इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और बहुत ही एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ युवाओं में नरेंद्र भाई मोदी का जो क्रेज है और उस क्रेज इस शोभा यात्रा में, इस युवा मोर्चा की यात्रा में साफ साफ दिखाई देता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरफ युवा मुड़ता है, जिस तरफ युवा चलता है, वही पार्टी जीतती है और आज युवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल पड़ा है और 29 तारीख को कमल के फूल पर अपना बटन दबाकर फिर एक बार देश में मोदी सरकार बनाएगा।